भूषण ज्वेलर्स। 2017 में विश्व क्षेत्र से बतौर आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़ चुके पूर्णचंद ठाकुर फिर राजनीति में सक्रिय हुए हैं। पूर्णचंद ठाकुर दोनों दलों भाजपा और कांग्रेस की समानांतर मुख्यता देकर भविष्य की रणनीति तैयार कर रहे हैं। पधर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग मेरी राजनीति खत्म होने की बातें करते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस की दुर्दशा की है। इसी तरह कुछ लोग भाजपा में भी हैं जो हवा हवाई बातें कर शीर्ष नेतृत्व को गुमराह कर रहे हैं। दोनों दलों में कमट और ईमानदार कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश होती रहती है। कहा कि मेरे पास दोनों तरफ भाजपा और कांग्रेस में विकल्प खुले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता भी संपर्क साध रहे हैं, लेकिन अभी तक टिकट के लिए कोई अप्लाई नहीं किया है। भाजपा और कांग्रेस में जो लोग टिकट पक्का मानकर चल रहे हैं उनके भी टिकट तय नहीं है। पूर्णचंद ने जीवन के 42 वर्ष में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपना खून पसीना बहाया है। वहीं उन्होंने कहा कि नेताओं की भी आयु सीमा होनी चाहिए ताकि युवाओं को भी राजनीति में मौका मिलना चाहिए। वह राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ है। परिवारवाद को बढ़ावा मिलने से अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे आने का मौका नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि राजनीति में आयु सीमा भी तय होनी चाहिए जिससे अच्छे कार्यकर्ताओं और युवाओं को आगे आने का मौका मिल सके। सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की सेवा निर्मित की तर्ज पर राजनीति में भी आयु सीमा होनी चाहिए जिससे सेकंड लाइन को भी उभरने का मौका मिलेगा। 72 वर्षों बाद मंडी जिला को सीएम पद का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सीएम जयराम के हाथों को मजबूत करना जिला की जनता का कर्तव्य है। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने राजनीतिक जीवन के 40 वर्षों में द्रंग क्षेत्र में शानदार विकास कार्य किए हैं। वहीं वर्तमान विधायक जवाहर ठाकुर ने भी क्षमता के हिसाब से 4.5 सालों में विकास कार्य करके दिखाए हैं। पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने एक चैनल में दिए साक्षात्कार में कहा कि पूर्णचंद कांग्रेस में शामिल होने के लिए अपने समर्थकों को मेरे पास भेज रहे हैं, ये सरासर झूठ और गलत है। कांग्रेस के कुछ लोग 10 अगस्त को मेरे पास कांग्रेस में शामिल होने को लेकर मिलने आए थे, मैंने उन्हें क्या रिस्पॉन्स दिया है वे लोग बेहतर जानते हैं। राजनीति कौन खत्म करते हैं? राजनीति उस क्षेत्र की जनता खत्म करती है। मैं कहता हूं, शायद मुझे लगता है कि कोई उत्तर तो नहीं लोगों के बीच में रहता है। हम उनके सुख और दुख में शामिल होते हैं, पीछे भी हुए, आज भी हो रहा हूं और आगे भी हो रहा हूं। ना किसी की ठेकेदारी कांग्रेस पार्टी में, आज सेकंड लाइन को मौका मिलना चाहिए, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। सेकंड लाइन को हम आगे लाएंगे तो कोई शक्ति नहीं है कि हमारी सरकार, कोई भी सरकार है, किसी पार्टी की बनती और पीठ न हो। अगर उनको दबाने की कोशिश करते हैं, और ये बात मैं जरूर जोड़ना चाहता हूँ, ये जरूर बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, देखेंगे परिणाम सामने आएंगे कि राजनीति किसकी खत्म होगी। पूर्णचंद ठाकुर ने, आज मैं बात करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की। ठाकुर जयराम जी ने जो भी उनके पास में हिमाचल प्रदेश की नहीं द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता की समस्या को लेकर के गया, उन्होंने उन समस्याओं का समाधान किया। पधर से ललित ठाकुर की रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।